हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय पूजा रेडियोस चैनल। तो गाइस देख सकते हैं, ये है लामडिंग का सबसे बड़ा ऑफिस। लामडिंग का रेलवे का ऑफिस ही सबसे बड़ा ऑफिस है। तो मैं लामडिंग आज घूमूंगी थोड़ा बहुत और आप लोगों को भी दिखाऊंगी। तो आप लोग वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा। तो यहाँ पे देख सकते, थोड़ा आगे जाने के बाद यहाँ पे एक ब्रिज बन रहा है। देख सकते हैं नया ब्रिज जो है ये बन रहा है। ये रेल लाइन है, इधर देख सकते हैं यहाँ पे रेलवे का लाइन है यहाँ पे पूरा। तो मैं थोड़ा आगे जाती हूँ और मैं आप लोगों को और दिखाती हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा आगे जाने के बाद दो रोड है। इधर जाते हैं नदीरपार और इधर हम लोग जाएंगे घूमने के लिए। तो नदीरपार में फिर कभी जाऊँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी। तो देख सकते हैं ये है रेलवे का लाइन। यहाँ पे हम लोग जस्ट लाइन क्रॉस करके अभी जा रहे हैं इधर घूमने के लिए। तो मैं जितना भी हो सके आज जितना भी जगह जाऊंगी घूमने के लिए आप लोगों को पूरा दिखाऊंगी जितना भी हो सके उतना। तो हम लोग 6:30 बजे घर से निकले थे घूमने के लिए। तो जस्ट अभी हम लोग निकल के आए हैं घूमने के लिए। देख सकते हैं ये है रेलवे का लाइन। यहाँ से देख सकते हैं रेलवे का लाइन है, कितना सुंदर लाइटिंग वगैरह किया हुआ है। बड़ा ऑफिस भी इधर से दिखाई देता है, बहुत ही सुंदर लाइटिंग वगैरह किया हुआ है। देख सकते हैं आप लोग, इधर स्टेशन है। देख सकते हैं स्टेशन का लाइन है इधर। तो आप लोगों को बहुत ही खूबसूरत से चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर गाइस आप लोग लामडिंग से वीडियो देखते हो तो कमेंट करके बताओ ना गाइस कि आप लोग लामडिंग से वीडियो देखते हो तो कमेंट करो। अगर बाहर से देखते हो तो भी कमेंट करो, लामडिंग से देखते हो तो भी कमेंट करो गाइस मेरे चैनल को। तो यहाँ पे देख सकते लामडिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे ट्रेन भी बना हुआ है। देख सकते कितना खूबसूरत सा बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ये है स्टेशन, देख सकते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, ये है रेलवे स्कूल। ये रेलवे स्कूल है, देख सकते हैं बहुत बड़ा स्कूल है। ये रेलवे स्कूल है लामडिंग का। तो ये है रेलवे स्कूल, इधर है रेलवे फील्ड, ये है रेलवे फील्ड। देख सकते हैं बहुत ही बड़ा रेलवे का फील्ड है। मैं कभी जाऊंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी क्योंकि इधर जाना नहीं पड़ता है, मेरे घर से बहुत दूर है। तो ये है, देख सकते हैं यहाँ पे है स्टैचू। तो मैं जहाँ से जा रही हूँ बैक करके हम लोग फिर से यहीं पर आएंगे। तो मैं आप लोगों को हम लोग घूमते हुए यहाँ से निकल रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे फिर से एक ट्रेन में आप लोगों को दिखाती हूँ। देख सकते हैं ये बना हुआ है, आर्टिफिशियल है, देख सकते हैं। तो अभी हम लोग घूमेंगे और मैं आप लोगों को इधर जो है रेस्टोरेंट वगैरह भी दिखाऊंगी। यहाँ पे 4-5 जाते हुए 2-3 रेस्टोरेंट भी पड़ा है, एक नया भी रेस्टोरेंट खुला है, मैंने जस्ट अभी देखा है। बहुत टाइम के बाद मैं निकली हूँ घर से, आई थिंक 3-4 महीने के बाद ही मैं निकली हूँ। मैं ज़्यादा घर से नहीं निकलती हूँ, बहुत ही कम निकलती हूँ मैं घर से, ज़्यादातर मैं नहीं निकलती हूँ। तो अभी देख सकते हैं अभी हम लोग इधर जा रहे हैं घूमने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे दुकान वगैरह भी है और थोड़ा आगे जाने के बाद DBS स्कूल भी है। इधर DBS स्कूल है, दूसरा जो गली है उधर से DBS स्कूल जाया जाता है। ये गरम मसाला, ये है इंद्र कुटी, अच्छा ये इंद्र कुटिया, सॉरी गाइस। और थोड़ा आगे जाने के बाद ये गरम मसाला एक रेस्टोरेंट है। ये देख सकते हैं ये गरम मसाला, यहाँ पे खाना बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही टेस्टी जो बिरयानी है वो बनते हैं। फैमिली रेस्टोरेंट है। तो मैं अगर अंदर जाऊँगी कभी तो उसका भी ब्लॉग अलग से बनाऊँगी। यहाँ पर और एक रेस्टोरेंट है, ये एक रेस्टोरेंट है, देख सकते हैं। उधर से हम लोग यहाँ पे आए हैं, ये काली माँ का मंदिर है। अभी हम लोग जाएंगे बुद्ध मंदिर की तरफ। तो बुद्ध मंदिर से पहले यहाँ पे और एक मंदिर है, कृष्णा मंदिर, जहाँ पे कृष्ण जन्माष्टमी होता है। यहाँ पे देख सकते हैं डांस हो रहा है। तो ये देख सकते हैं ये है बुद्ध मंदिर, यहाँ पे बुद्ध मंदिर है। अंदर हम लोग नहीं गए, बाहर से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और फिर आगे जाने के बाद और एक काली माँ का मंदिर है, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ लोकोपट्टी, जहाँ पे ये है लोकोपट्टी का रोड, देख सकते हैं ये लोकोपट्टी का रोड है। देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग वापस रिटर्न आए हैं। यहाँ पे एक लोकोपट्टी का वीडियो, लोकोपट्टी का जो वीडियो है छठ पूजा का, वो मेरे चैनल पे दिया हुआ है। अब तक आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जल्दी जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं, छठ पूजा का पूरा ब्लॉग दिया हुआ है। तो देख सकते ये है लामडिंग लोकोपट्टी। यहाँ पर दुर्गा पूजा के बाद यहाँ पर विसर्जन भी दिया जाता है और यहाँ पर छठ पूजा भी होता है। तो यहाँ से देख सकते अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, देख सकते हैं अभी जस्ट हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं घूमने के बाद। तो मैं जस्ट यहाँ से देख सकती, ये है स्टेशन, फिर से हम लोग उधर ही आए हैं। तो मैं आप लोगों को लामडिंग स्टेशन जो है वो पूरा दिखाऊंगी। लामडिंग स्टेशन नया करके बना है, पहले दूसरा ही था, अभी नया करके बहुत ही सुंदर करके बनाया है स्टेशन, लामडिंग स्टेशन। तो मैं जब बाहर जाऊँगी तो आप लोगों को अच्छे से दिखाऊँगी लामडिंग स्टेशन, बाहर से भी अंदर से भी। तो अभी हम लोग जस्ट अंदर नहीं गए, बाहर से ही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ लामडिंग स्टेशन। बहुत ही सुंदर सा लामडिंग स्टेशन बना हुआ है, बहुत ही बड़ा करके, बहुत ही सुंदर सा, खूबसूरत
करके बहुत ही सुंदर करके बनाया गया है लामनिंग स्टेशन। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं और जा रहे हैं लामनिंग स्टेशन की तरफ। मैं आप लोगों को जाके पूरा दिखाती हूँ लामनिंग स्टेशन। अच्छा लगा, बहुत दिन के बाद में घूमने के लिए निकली थी, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये है टिकट काउंटर, देख सकते हैं यहाँ पर टिकट काउंटर है। ये है ब्रिज, तो थोड़ा आगे चल के भी ये देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा लामनिंग स्टेशन देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर करके बनाया गया है। पार्क, यहाँ पे गाड़ी रखने के लिए जगह है, पार्किंग का जगह भी है। तो देख सकते हैं आप लोग कितना सुंदर से बनाया गया है लामनिंग स्टेशन का प्लेटफॉर्म, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही सुंदर से बनाया गया। मैं अंदर जाके फिर से कभी जाऊँगी तो अंदर में भी, अंदर से भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी जब मैं बाहर जाऊँगी तब। तो देख सकते हैं मैं ज़्यादा इधर आती नहीं हूँ क्योंकि मेरा घर से बहुत दूर पड़ता है, ये बहुत ही दूर है। तो देख सकते हैं यह है लामनिंग स्टेशन का वीडियो। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, मैं बहुत मेहनत से एक एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाती हूँ। गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप सपोर्ट करेंगे तो ही मैं आगे बढ़ पाऊँगी, तो अदरवाइज़ मैं आपकी सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हूँ गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं कालीबारी, ये है लामनिंग कालीबारी का महाकाल स्टोर जो आगे गया है। ये है ग्रीन चिल्ली, जहाँ पे मैं बचपन से बहुत छोटी थी तब से मैं यहाँ पे परोठा चाहे बहुत टेस्टी बनता है। मोमो का शॉप है यहाँ पे, पुचका का दुकान है। हाय गाइस, तो मैं जस्ट अभी आई हूँ घर, घूमने के लिए मैं गई हुई थी। तो आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। जिसने सब्सक्राइब किया है उनको थैंक यू सो मच, जिसने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जल्दी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय गाइस, गुड नाइट।